बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसको हम यारी टॉक्स भी कह सकते हैं, इनिंग्स ब्रेक भी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई, बात ये हो रही थी भाई कि कौन वे वो डबल 100 तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। प्रत्युष झा, प्रत्युष भाई बिल्कुल आपकी दिल की जो मुराद है, मुराद ही बोलेंगे रोहित, पूरी हो गई। उन्होंने प्रेडिक्शन करी थी यार, ख्वाहिश भी रही थी कि भाई 200 करें, और जबरदस्त बैटिंग उन्होंने करी, जिस तरीके से विकटे भी गिरी। अब हम बात करते हैं कि हो सकता है कि जेमिसन साउदी सपोर्ट करेंगे, लेकिन वैगनर ने भी आखिरी में जो 23 रन लगाए उसने और ज्यादा पलड़ा भारी किया न्यूजीलैंड का, 378 रन। और इसके साथ साथ कॉनवे ने जो डबल 100 किया, बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी धीरज भाई अपने नाम किए। न्यूजीलैंड की तरफ से देखें तो डेब्यू पर पहला जो दूसरे बने जिन्होंने डबल 100 किया, और मैं तो यही पूछ रहा था कि भाई कि रनआउट हो कौन रहा है, क्योंकि ध्यान थोड़ा नजर थी कि अगर वो रनआउट नहीं होते तो डेब्यू पर बैट भी कैरी करते, यानी कि पूरी टीम ऑल आउट हो गई और आप अकेले नॉट आउट जाते। इंग्लैंड में किसी भी विजिटिंग बैट्समैन का पहला राय कि भाई डेब्यू पर आपने जाकर डबल 100 स्कोर किया, तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। ओवरऑल देखें तो हिस्ट्री में सातवें जिन्होंने डेब्यू पर डबल 100 किया है, तो तमाम जो है ये स्टैट्स, उनकी इनिंग्स, उनकी बल्लेबाजी सब शायद फीके पड़ जाएंगे, अगर शायद बताना भी चाहो आप उनके पीछे की जो स्टोरी है कि भाई कैसे आज डेविन कॉन। और उस पर भी बोलूंगा, जो आपने स्टोरी गल की है वो स्टोरी तो आपने की है, लेकिन एबी डिविलियर्स ने भी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की जहां उन्होंने पूरा लिखा है, उसका उनका पूरा आर्टिकल शेयर किया है कि इन्होंने कहां से क्या कार बेची, सारी चीजें हैं, सारे घर छोड़ के बाहर छोड़ के सीधे आके न्यूजीलैंड रहते हैं। और हमने ये भी देखा कि भाई एबी डिविलियर्स भी घर बाहर छोड़ के बहुत ज्यादा कुछ पोस्ट करते नहीं है सोशल मीडिया पे, हमने देखा कि एबी डिविलियर्स की तरफ से बहुत कम आता है। एबी डिविलियर्स से भाई तारीफ आना इस तरीके की, बताओ, जिसके बारे में बात करते हैं कि दुनिया का जो है कि बेस्ट बैट्समैन अभी भी रिटायर होने के बावजूद एबी डिविलियर्स है, वो आपके लिए डायरेक्ट सीधे सीधे इस तरीके की बातें बोले और वेल अर्नड, और उस तरीके से जो जर्नी को अप्रिशिएट करना तो बहुत बड़ी बात है, और लेकिन उनकी बदौलत न्यूजीलैंड बहुत अच्छी पोजिशन में इस मैच में पहुंच चुका है। मतलब कॉनवे के लिए 200, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम एज ए इंडिया अगर देखें तो यार हमारे लिए कॉनवे एक दिक्कत है, मतलब आप एज ए क्रिकेटर को छोड़ के, मतलब एज ए इंडिया लॉजिक से देखें यार कि ये सामने होंगे, पर जिस हिसाब से वो निकल गया है, मतलब 200 देख के ऐसा लग रहा था क्या खिलाड़ी है यार, मतलब ये डिजर्व करते। जिस वक्त जेमिसन का विकेट आया, उसके बाद साउथी का विकेट आया, मुझे लगा यार अब चीजें थोड़ा मुश्किल लग रही थी, और सामने जिमी एंडरसन थे। कॉनवे को वैगनर को कम से कम एक गाड़ी खरीद के देनी चाहिए कि भाई मेरे डेब्यू पे अगर 200, वैगनर को वैगन आर एक दे देनी चाहिए कि उन्होंने बहुत पता नहीं वो लेंगे लेंगे, लेकिन देनी जरूर चाहिए गाड़ी उनको, नाम के हिसाब से सूट कर जाएगी ना, थोड़ा सस्ता था पर अच्छा था धीरज भाई का, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। लेकिन और उसके बाद जिस तरह से उनको सेंड ऑफ मिला, आई थिंक बहुत अच्छा। इंग्लैंड की टीम आमतौर पर हम देखते हैं कि पारी खत्म होती है तो टीमें निकल जाती हैं एकदम तुरंत, जो खासतौर पर बैट्समैन भी होते हैं आपके, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से उन्हें सेंड ऑफ दिया, वो मुझे बड़ा सही साइड अभी मैं देख रहा था तो वही मुझे तस्वीर बहुत अच्छी लगी। और फिर हम लॉर्ड्स में तो जानते हैं यार कि कोई खिलाड़ी सेंचुरी भी मारता है तो कितना प्यारा स्टैंडिंग ओवेशन वहाँ पर मिलता है, तो जैसा सभी ने कहा आई थिंक अमेजिंग इनिंग्स थी, लेकिन अब जवाब जो है वो सामने से आना है, सामने से आना है। बट जिस तरीके से इनिंग्स रही उस पर ही बात करें तो कॉनवे ने अगेन उनके लिए चैलेंजेस थे, बाकी भी जो सपोर्ट की बात करें तो दो पार्टनरशिप लगी, उनके अलावा जो निकल्स ही थे जिन्होंने 50+ स्कोर किया है, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भाई डेब्यू पर ही पहली बार ही आपको पता नहीं कि भैया आपका क्रिकेट करियर कहाँ रहता कुछ साल पहले, आज आकर उस तरीके से अपने आप को अनाउंस करना, वो भी लॉर्ड्स पर सबसे बड़ी जगह पर। कल उन्होंने बात करते हुए भी कहा था कि मैं जब हम पहुंचे लॉर्ड्स में तो मैंने केन विलियमसन का विलियमसन से ऐसे पूछा कि यार इस ऑनर्स बोर्ड पर नाम होता होगा तो कैसा रहता होगा, तो कह रहे फिर कल मुझे विलियमसन ने ये भी चीज बोली कि भाई देखो अब पता चल गया होगा तुम्हें कैसा लगता है, वो फीलिंग कैसे होती है, और यार नाम रहता है लॉर्ड्स। आज टीम इंडिया पहुंची है वहां, कल तो टीम इंडिया यहाँ से 100 देखा, जब वो पहुंची है वो वहां पे 200 देख रहे होगा। टीम इंडिया का जो सारा प्लान होगा ना, बोल रहे होंगे अभी सबको छोड़ो इन पे आओ, क्योंकि इनको कैसे गेंदबाजी करनी है, क्योंकि इनके सामने हर कोई बड़ा फीका सा मतलब लग रहा है कि यार हर शॉट और आउट भी कैसे होते हैं, आप देखो रन आउट होते हैं और जो रूट 200 रन उन्होंने बनाए, टीम का स्कोर 378 है, तो एक ही आदमी ने इफेक्टिवली रन मारे ना, 61 है उसके बाद निकल्स के। लेकिन अभी भी मुझे ये लगता है कि इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड अपने यार्ड में ऐसी है, मुझे अभी लगता है कि इंग्लैंड का जितने अब फंस गई है इंग्लैंड बहुत बुरी तरीके से फंसना, तो देखिए हम बात कर रहे थे कि वही अब चाहे एक ही प्लेयर ने मारा, अब ये भी देखना होगा ना कि वो कैसे टैकल, वैगनर ने जो एंड में मार दिया ना रन, वो आपको थोड़ा सा क्योंकि होता है आप सोचते हो यार कि अब तो ऑल आउट, अब मोमेंटम शिफ्ट हो गया, आपको वही था कि यहां पर भी आप सोच रहे थे सब सोच रहे, अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो आप देखो भाई इनकी टेल में अभी तो चलो ट्रेंट बोल्ट नहीं है, बट जो भी उनका कॉम्बिनेशन रहता है तो भाई आपको वैगनर को भी देखना पड़ेगा कि वैगनर भी ऐसा नहीं है कि आके एकदम चलते हो जाएंगे, आकर वो भी उन्होंने जो 20-22 रन मारे हैं तेजी से उनका भी आप स्कोरबोर्ड में ऐड करते हो, टेस्ट मैचेस अब आजकल हम देखते हैं काफी काफी बार होता है लेस देन 50 रन पे डिसाइड होते हैं, तो वो उस तरह इंडिया ने तो बहुत झेला इस चीज को, इंडिया ने तो हमेशा हम कहते हैं कि भाई क्या हो जाता है यार, एक बात देखो नहीं होते, न्यूजीलैंड बनाया 378 रन, 122 ओवर खेले टीम ने, 60 ओवर तकरीबन आप समझ लो कि अकेले कॉनवे ने खेले,
60 ओवर में लाइक बड़े डिसअपॉइंटेड भी नजर अगर कोई पार्टनरशिप लग जाती तो ये तो बिल्कुल भी आउट होने के मूड में नहीं थे अगर मतलब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि दूसरे एंड पे हो क्या रहा है आइसमैन कूल आइसमैन काम सबसे अच्छी बात है कूल काम आप उनका 50 देखो सेम एक्शन ज्यादा कुछ नहीं है 100 पर भी 200 पर भी कंपोस्ट कॉम्पैक्ट एंड वेरी वेरी फोकस्ड टेम्परामेंट देखो यार 200 होने के बाद भी उनको ये नहीं कि लाइक हम जैसा देखते हैं कि बहुत आराम से जैसा भी कोई याद है राहुल ड्राइवर जो बहुत सीनियर ये भी दिखाता है कि भाई आप शायद सोच कर ही नहीं आए थे कि मतलब 100 मेरे लिए कोई बहुत बड़ा मोमेंट होगा यहाँ पर उनके सेलिब्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे अच्छा ठीक है यार मतलब बहुत ही सुलझे हुए इंसान भी नजर आए जैसे ज्यादा फोकस है कि खेलना है वो फिगर पे देख के 100 हो गया 200 हो गया सही बात बॉल पे फोकस कर रहा है वो आदमी और ये मतलब टीम भी मैच तो देख रही है क्योंकि अश्विन की तरफ से एक ट्वीट आया तो उन्होंने वही कमेंट्री में बैटिंग पर डाइसेक्शन के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली वो यही चीज देख रहे होंगे तो सबकी नजरें तो इसी मुकाबले पर है जो हम बोल भी रहे थे इंडियन टीम ने बताया भी था सपोर्ट स्टाफ ने कि भाई हमारी नजर जो रहेगी और अब देखना होगा कि न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं जो ड्यूक्स बॉल से लगातार तैयारियां अपनी कर रहे हैं उनकी क्या प्रिपरेशन रही है कितना वो एक्लिमेटाइज होकर कितना वो एडजस्ट हुए कितना यूज हुए ड्यूक्स बॉल के साथ भी और वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी है आपका जो है इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर उतना ज्यादा नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं है काउंटी के अगर आप लिहाज से देखें तो जरूर उनके पिछले 3-4 साल में टॉप स्कोरर कभी बर्न्स रहे कभी सिबली रहे बट अब यहां पर जब थोड़ा सा ये रहा कि भाई आपकी ऑफ लास्ट इंटरनेशनल असाइनमेंट में भी एवरेज सारे 30s में कर रहे हैं तो एक अपॉर्चुनिटी है कि यहां पर अप फ्रंट जल्दी अगर विकेट निकालते हैं तो थोड़ा सा न्यूजीलैंड जो है और ज्यादा हावी हो गया काफी डिपेंड करेगा लेकिन अब लेकिन ब्रोरी बर्न्स पे और टॉम सिबली पे बंस का आया बंस मुझे सिबली का थोड़ा लगता है सिबली का मुझे मतलब एक फिगर मैंने बार बार उनको देखा है कि 100 गेंद पे 25 रन 30 रन तो उनका ये रहता है बहुत स्लो खेलते इवन इन इंग्लैंड भी आप देखोंगे तो उनका ऐसे ही आता है काफी स्लो बैटिंग विकेट ना दें आगे से रन आ जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पर आज मुझे लगता है कि इंग्लैंड को कोशिश ये करना पड़ेगा यहाँ पे आगे जल्दी विकेट निकल गई और जो रूट पे सारा भार आ गया तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी वो तो फिर फंस जाएंगे पार्टनरशिप चाहिए इनको एक शेल में स्पेशली बिकॉज़ 374 कम रन नहीं है बहुत ज्यादा है आप ऊपर से सोचो ना कि आप होम जिसका यार्ड है आप अगर इंग्लैंड को देखो वहां पे आकर इतने रोड बोर्ड में इतने रन पहली इनिंग में लगा दे तो आदमी थोड़ा वो हो जाता है कि यार ऊपर से जो हम कह रहे थे ना कि भाई आपके पास साउदी की बॉल में लग रही है और सबसे ज्यादा हमने ये भी कर लिया कि एक स्पिनर को हम मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा और शायद कॉनवे के अगेंस्ट ना अब ये भी होगा कि अब सेकंड टेस्ट में शायद देख रहे स्पिनर्स के अगेंस्ट जो अब दो बॉल देखी ना मैंने साउदी वाली उसमें बाउंस अच्छा पड़ा है ऊपर कैरी अच्छा नहीं और दूसरा बॉल जो था मैच का वो रह गया नीचे पिछला नीचे रह गया था बिल्कुल अभी क्या करते हैं आई थिंक अभी हमें इजाजत लेनी पड़ेगी क्योंकि अगेन दोबारा 8-10 पर तो दोबारा इस मैच के साथ भी जुड़ना पड़ेगा ना ब्रेक के बाद ये इसका भी ब्रेक हो जाएगा क्योंकि 8-10 पर जैसे हमने कल देखा था 8-10 अराउंड पर ब्रेक होगा तो फिलहाल अभी इजाजत लेते हैं आपसे ये था जी क्या हुआ कॉनवे ने कितने कितने रिकॉर्ड्स बनाए जबरदस्त परफॉर्मेंस डेब्यू पर जिस तरीके से उनकी रही है काबिले तारीफ स्टोरी भी आप लोग देख सकते हैं हमने उनका जो करियर है जिस तरीके से रहा है उस पर बात भी करी है तो अभी ले लेते हैं इजाजत आपसे ठीक 3 मिनट के बाद फिर से जुड़ते हैं और बात करते हैं इंडियन टीम की जो पहुंच गई है साउथहैम्प्टन में टीम होटल से कुछ विजुअल्स आए हैं तस्वीरें आई स्पाइडरमैन एंड हिटमैन टुगेदर और अभी क्या कर रही है टीम इंडिया इस सब पर बात करेंगे